हम सभी के घर में तुलसी जी का एक प्लांट ज़रूर होता है, तो आज हम बात करेंगे तुलसी जी के प्लांट के बारे में ही। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेलो होम पे। आज हम बात करेंगे आगे आने वाली सर्दियों में हम अपने तुलसी प्लांट को कैसे सेव करके रख सकते हैं, उसके तरीके के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसका तरीका है कि हम प्लांट को कैसे सेव करें, इसकी जितने भी फ्लावरिंग्स होती हैं, इन फ्लावर्स को आपने कट कर देना है, कुछ इस तरह से सभी फ्लावर्स को कट करके हटा देना है। दूसरा सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है वो होता है प्लांट में, पॉट में एरिएशन का, यानी कि अगर आपके प्लांट और पॉट में जो मिट्टी है वो अगर जमी हुई है तो उसे गुड़ाई के द्वारा दोबारा से फ्रेश कर देने का, ताकि जो प्लांट है वो उसका जो मिट्टी में जो एरिएशन है वो बढ़िया हो सके और प्लांट सर्दियों के दिनों में भी हेल्दी रह सके। इसकी जो जड़ें हैं उस जड़ों के आसपास से आपने अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। ख्याल ये रखना है कि कोई भी जो जड़ है, कोई भी वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो। इस तरीके से आपने उसकी जड़ों के किनारे से मिट्टी हटाकर और जड़ों को कवर कर देना है। जड़ कभी भी बाहर धूप में नहीं रहे, ये भी ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आगे सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए हम इस प्लांट को फर्टिलाइज कर देंगे, क्योंकि अभी नवंबर का मंथ है, अक्टूबर और नवंबर यही इसके लिए सही, अक्टूबर का पूरा मंथ बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ नवंबर में ये जो फर्स्ट वीक है या लगभग 15 दिन तक का आप ले सकते हैं, इसमें आपने अगर फर्टिलाइज कर लिया अपने प्लांट को तो आपका प्लांट पूरी सर्दी अच्छे से बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट इसको फर्टिलाइज करने के लिए। आप लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। कोशिश करें कभी भी प्लांट में जब आप फर्टिलाइज करते हैं तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें तो वो बेस्ट है। इस तरह से मैंने दो मुट्ठी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है और जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके ऊपर से उसे मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊपर से आप मिट्टी से उसे अच्छे से कवर कर लें, कोई भी जो फर्टिलाइज़र है वो ऊपर ना दिखे, और जड़ों के आसपास डालना बहुत ज़रूरी है और जड़ को मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लांट की जड़ें जो है वो बाहर धूप में एक्सपोज नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट को केयर कर लिया है आगे सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए। फर्टिलाइज़र डालने के तुरंत बाद पानी ज़रूर डालें। मेरा ये तुलसी का प्लांट एक साइड को ज़्यादा झुक रहा था तो इसलिए मैंने इस लकड़ी की मदद से इसे सपोर्ट दिया है, ताकि एक ही साइड को ये ज़्यादा ना झुक जाए। इसी तरह से आप भी अपने प्लांट को सर्दियों के लिए सेव कर लें, ताकि वो सर्दियों में अच्छे से बने रहें, खराब ना हो। इस छोटी सी कोशिश से आपका प्लांट पूरी सर्दी बना रहेगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, साथ ही बहुत सारे गार्डनिंग टिप्स और जान सकें आप। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।